देखु जो जो भाव में महांगारे जो डबल मर्डर घटना राजनीतिक हत्या जो होती हत्याकारी मान विरोध में से गिरफ्त करने प्रतिवाद एवं मंत्री प्रताप जेना गिरफ्त करने प्रतिवाद रे बीजेपी पक्षर महांगारु गतल आरंभ होता पदयात्रा आज द्वितीय दिन में जगतपुर पाखे पहुंचा आज जगतपुर सीधा सड़क ढाकुले पीठ पर्यंत यह पदयात्रा बाहर बीजेपी सबू नेता कर्मी सामिल होते बीजेपी महिला सभानेत्री स्मृति पट्टनायक सहित बीजेपी कटक जिला सभापति प्रकाश बेहरा महिला सभानेत्री जाज्ञसिनी जेना सहित अनेक नेता और मंत्री विधायक व जो रही कर्मकर्ता नेता समस्त ए सामिल होती सीधा सड़क जी से प्रतिक्रिया ना जेहेतु यही पदयात्रा बर्तमान बाहरी बीजेपी पक्षर प्रथम सद्भावना सभा करपर सद्भावना पदयात्रा होता है और आज जो भाव में बर्तमान महांगारू विधानसभा अभिमुखे पदयात्रा बाहरी लोक मान सचेतन हो जो महांगार जो हत्या हो राजनैतिक हत्या व हिंसा ता विरुद्ध में ही पदयात्रा करा सीधा सड़क जी प्रतिक्रिया ना हम सहित अच्छा बीजेपी महिला मोर्चार सभानेत्री स्मृति पट्टनायक मैडम जो आज पदयात्रा बाहरी गत काल आरंभ हो आज द्वितीय दिन के दूर पर्यटन जी दाबी सब कौन आम आज ठाकुर ठाकुराणी पर्यटन जाकिना पहुंचे पदयात्रा से शेष हम दाबी महांगार डबल मर्डर घटनार 13 नंबर मुदला आईन मंत्री प्रताप जेना आज पर्यंत कौन से प्रकार कानूनी व्यवस्था करा जो कथार मुख्यमंत्री निजरा निरापत्ता परिप्रकाश कर विभाग मुखिया हिसाब से बारंबार महांगार अशांत परिवेश होता बेले कहीं चुप रही ये प्रश्न अनेक दिन धरी जो महांगावासी मनरे से प्रश्न को नहीं 20 तारीख में भारतीय जनता पार्टी महांगा दल नेता श्रीयुक्त बुलु प्रधान महाशय ए समस्त तथ्य को लेकिन 20 तारीख दिन विधानसभा घेराव करने जा देखुले प्रतिक्रिया बीजेपी महिला मोर्चा सभानेत्री स्मृति पट्टनायक भी अच्छा सहित महांगा बीजेपी नेता शारदा प्रधान प्रतिक्रिया ना उलवे जो बाहर पदयात्रा गत काल बाहरी विधानसभा अभिमुखे बाहर कौन दाबी रही कौन मुख्य दाबी हूँ पुलिस निरपेक्ष तदंत करतु जो मैंने प्रकृत में दोषी विरुद्ध दंड दिंतु ये किसी अवास्तव दाबी नुह ए दाबी जनवरी 2 तारीख रु भारतीय जनता पार्टी करुच्ची आगामी दिन पर्यंत कर आमर दाबी थिला डीजी महाशय पाखे दाबी थिला पुलिस निरपेक्ष तदंत करे और दोषी की दंड देवे दोषी को दंड दिया निरपेक्ष तदंत आम सहित अच्छा बीजेपी अनेक नेता अच्छा नेतृत्व गोटे प्रतिक्रिया ना कटक जिला नगर सभापति ललटिंडु बड़ु बड़ु आज आप सामिल होती विभिन्न जगह बीजेपी नेता सब सामिल होती जो दाबी रही विधानसभा घेराव करने आप दाबी रही अभियुक्त मानक गिरफ्त कर प्रकृत में कहीं कार्यानुषान नौना सरकार ये गोटे जनजागरण जात्रा कारण सारा ओडिशा रे एभली घटना घटुची महांगा ये एक निदर्शन पश्चिम बंगाल को जो भली आतंक ग्रासीची से आतंक राजनीति में पूरेवाक राज्य सरकार जो उद्यम करुछंती प्रतिरोध करने गणजागरण तथा तो ये तदंत तुरंत सारी दोषी को कठोर कार्यानुष्ठान दाबी मार ये यात्रा जत्या प्रतिबंध बाहर आम सहित अच्छा बीजेपी संख्यालघु सभापति सिकंदर अली सिकंदर भाई जो रैली बर्तमान बाहर आपने जाते गत काल बाहरी जो विधानसभा घेराव कर आपे और निहत भाव में कौटा कौटी भंडर करदयात्रा को अभियुक्त मान सुरक्षा दि जाऊ देखु नरहत्याकारी मंत्री प्रताप जेना सुरक्षा दूसरा सब बड़ धूत राष्ट्र नवीन पट्टनायक यांकर कुशासन भ्रष्टाचारी हत्याकारी शासन हिंसार शासन को विरोध कर महांगारू ये पदयात्रा बुल्लू भाई को नेतृत्व में शारदा भाई को नेतृत्व में जो आरंभ हो आसंता 20 विधानसभा घेरे हम एवं नवीन बाबू को आज ये पदयात्रा मध्यम जो चेतावनी देखते शारदा प्रधान नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी प्रताप जेना को तुरंत ड्रॉप कर प्रताप जेना नाँ केस तदंत कर गिरफ्त करने भारतीय जनता पार्टी दाबी रखी ये दाबी पर आज न्याय पदयात्रा न्यायपाई पदयात्रा बाहर बर्तमान आम सहित अच्छा कटक जिला महिला सभानेत्री जाज्ञसिनी जेना मैडम जो आपने आय दवा और लोक मान सचेतन करवा जो हत्याकारी अच्छा से भितर अनेक गिरफ होना लगुच कौट ना कौट से सुरक्षा दि जाऊ आज्ञा देखु जो सद्भावनार जित्रा आज विधानसभा चलो आगामी 20 तारीख रो जो प्रोग्राम अच्छी आज विधानसभा रो चलिबार सेकेंड दिन 17 तारीख रो प्रोग्राम आरंभ होता आज आम विधानसभा चलुचे आम ढाकुले पीठ जाके जीव महांगारे डबल मर्डर घटन जो संपृक्त थे जीत लोक मुख्यतः 13 नंबर मुदालार जो सेठिकार विधायक अच्छा
थरे नवीन बाबू आखि खोलिकी देखु जी 13 नंबर मुदा लाइट थी विधायक को तुरंत न धरती जेरा न करती भारतीय जनता पार्टी आज कटक।